नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, समर्थ गुरु रामदास जी जो शिवाजी के गुरु थे, वो रामायण लिख रहे थे। तो लिखते लिखते वो उस समय का वर्णन कर रहे थे जब हनुमान जी राम जी के दूत बन के लंका में सीता जी को ढूंढने के लिए पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने जब लंका को देखा, वहाँ महल बने हुए थे, बहुत सुंदर वहाँ पे बाग थे, बगीचे थे, फूल लगे हुए थे। उसमें लिखते हुए ये बात लिखी कि लंका के जो बाग थे वो सफ़ेद फूलों के साथ भरे हुए थे। उसी समय जोर से आवाज़ आई, नहीं, ये गलत है। समर्थ गुरु रामदास जी ने आंखें उठाकर ऊपर की ओर देखा और हैरान हुए ये देखकर कि वहाँ पर हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी समय से आपके इर्द गिर्द आपकी लिखी हुई रामायण का आनंद ले रहा हूँ, लेकिन इस समय जो आपने लिखा वो गलत है। तो रामदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, क्या गलती हुई मुझसे, बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि ये ठीक है कि लंका में बहुत सारे बाग थे और बहुत सुंदर फूल थे, लेकिन वो फूल लाल रंग के थे, सफ़ेद रंग के नहीं थे। तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो वही लिख रहा हूँ जो मेरे प्रभु राम मुझसे लिखवा रहे हैं। जो ख्याल वो मेरे मन में देते हैं मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ। मैंने तो वो फूल देखे नहीं, प्रभु ने कहा सफ़ेद तो मैंने सफ़ेद लिख दिया। हनुमान जी ने फिर से जोर देते हुए कहा कि गुरुजी, आप वो लिख रहे हो जो आप मन से सोच रहे हो, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने इन आँखों से देखा है। गुरुजी ने फिर वही बात दोहराई, उन्होंने कहा मैं नहीं लिख रहा, ये मेरे भगवान मुझसे लिखवा रहे हैं और वो कुछ गलत नहीं लिखवाएंगे। हो सकता है कि आपने जो देखा है बहुत बरस पहले उसको आप भूल गए हों, लेकिन मैं वही लिख रहा हूँ जो मुझसे प्रभु लिखवा रहे हैं। उनकी आपस में कुछ बहस हुई और एकदम से वहाँ पर सफ़ेद बिजली सी चमकी और भगवान राम वहाँ पर प्रकट हुए। सबसे पहले हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फिर रामदास जी ने भी भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर प्रकट हुए, हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। अब आप ही बताएं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो भगवान राम ने बोला कि हनुमान, जो गुरु रामदास जी लिख रहे हैं वो अपने मन की आंखों से देख रहे हैं, वही सत्य है, लंका में सफ़ेद फूल ही थे। तो हनुमान जी एकदम से चौंक गए और बोला कि प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा है लाल रंग के फूल थे। तो भगवान राम ने हंसते हुए कहा कि उस समय तुम सीता जी की खोज में लंका घूम रहे थे और तुम्हें इतना गुस्सा था कि तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल थी, तुम्हें सब कुछ लाल ही लाल दिखता था, इसलिए वो फूल तुम्हारे लिए लाल ही थे। प्रभु की ये बात सुन के हनुमान जी अपने प्रभु के आगे नतमस्तक हुए और प्रभु ने कहा, हनुमान, जो मन में जैसा विचार होता है दुनिया वैसी ही दिखती है। आप अपने चारों तरफ वही देखते हो जो आपके दिल में होता है। कहा जाता है कि ये सारी दुनिया हमारे एक दिल का आईना होती है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे, जब आप मन से खुश होते हैं तो आपको चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप मन से दुखी हैं तो आपको फूल भी मुरझाए दिखेंगे, आपको बाग भी उदास दिखेगा, आपको चारों तरफ उदासी ही दिखेगी। सनरेज की टीम का ये प्रयास कि आप मन से खुश रहें और चारों तरफ आप खुशियाँ ढूंढ सकें, इस प्रयास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।